हेलो गाइस, जैसे इडली सांभर तो हम सबका फेवरेट है, पर आज वो ही इडली सांभर हम कुछ ट्विस्ट के साथ आपको सिखाने वाले हैं। वो है लावा इडली। जस्ट सोचो कि आप इडली खा रहे हो और बीच में से अंदर से सांभर निकलता है, तो वो खाने में कैसा लगेगा और वो सीक्रेट क्या है, ये रेसिपी कैसे बनती है, वो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और यस, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो प्लीज LSS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सो गाइस, वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट माया गुजराती, हियर फैकल्टी ऑफ स्वाद। लावा इडली बनाने के लिए हमें चाहिए सिंपली जो इडली का बैटर होता है वो, और सांभर। सो इडली का बैटर कैसे बनता है, तो यहाँ पे है हमारे पास उड़द की दाल। ओके, 1 कप उड़द की दाल होती है, तो उसके सामने 3 कप चावल लिए जाते हैं। ये हमारे कृष्ण कमोद चावल है। सो हमें क्या करना है, उड़द की दाल एंड चावल दोनों को अच्छे से धो के भिगोना है, और ये दाल और चावल को 4 से 5 घंटे के लिए हमें भिगो के रखना पड़ता है। फिर उसे अलग अलग पीसना है, और पीसने के बाद कम से कम 8 से 10 घंटे तक उसे फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है। मेन सीक्रेट है कि जब भी आप फर्मेंटेशन के लिए ये बैटर रखते हो तो उसमें कभी भी सॉल्ट मत ऐड करो, बिकॉज सॉल्ट फर्मेंटेशन ब्रेक करता है। सो सॉल्ट हमेशा जब भी मेकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करो वो टाइम पे ऐड किया जाता है। तो जैसे सारी प्रोसीजर हमने डन करके रखी है, तो यहाँ पे मैंने इडली का बैटर प्रिपेयर करके रखा है, और अब ये स्टेज पे मैं हल्का सा सॉल्ट अंदर ऐड करूंगी, जितना रिक्वायरमेंट है उतना। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमेशा अंदर इडली रखने से पहले इनो को ऐड किया जाता है, ये है इनो की बॉटल। और ये स्टेप हमेशा इडली रखने के तुरंत पहले ही किया जाता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हो तो थोड़े थोड़े में ही ऐड करना, पूरे बैटर में एक साथ मत ऐड करना। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इनो। नियर मेरा इतना अगर बैटर है तो मैंने 1 टीस्पून जितना इनो इसमें ऐड किया है, और इनो ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लावा इडली बनाने के लिए दूसरा स्टेप आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, काफी थिक है, तो ऐसी थोड़ी सेमी थिक वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मैम एक बार इनो का बॉटल वापस दिखा दीजिए ना। यस, मार्केट में छोटे पैकेट भी आराम से 5-10 रुपीज के अवेलेबल है, तो आपको पूरी बॉटल अगर परचेस नहीं करनी है तो आप ये छोटे वाले बॉटल्स या फिर सैशेट भी ले सकते हो। ओके, फ्लेवरलेस ही लेना है ना? हाँ, फ्लेवरलेस ही लेना है। ये ब्लू कलर का जो आता है वो फ्लेवरलेस आता है, तो ध्यान में रखिए कि ब्लू कलर का ही आपको लेना है। मैम फ्रूट सोडा हेल्दी रहेगा क्या? सी, वो एक्चुअली देखा जाए तो समहाउ हेल्दी नहीं है, पर ये जो फ्लफीनेस आती है वो उससे ही आती है। आप उसे अवॉइड कर सकते हो अगर आपका फर्मेंटेशन 2 दिन तक आप रखते हो। एक्चुअली बाहर वाले आराम से लंबे समय तक उसे फर्मेंट करते हैं, 24 घंटे पहले उसे फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, तो जितना अच्छे से उसमें फर्मेंटेशन होगा उतना वो फ्लफी बनेगा। और आपका नॉर्मल फर्मेंटेशन है तो फ्लफीनेस के लिए इनो ऐड करना रिक्वायर्ड है। ना ऐड करोगे तो चलेगा, पर आपकी इडली स्पॉन्जी कम बनेगी। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए सांभर। ये जो नॉर्मल सांभर होता है वो ही हमने बनाया है। मेन ये वीडियो में हमें ये ट्रिक सीखनी है कि कैसे हमारा लावा बाहर निकलता है सांभर का। सो उसके लिए हमारे पास सीक्रेट है, ये है मेरे पास गोलगप्पे। ओके, जिसे गुजराती में पानी पूरी की पूरी भी कहते हैं और गोलगप्पे भी कहा जाता है। तो मैंने क्या किया है, ऐसे गोलगप्पे में होलो बना दिया है। ओके, और दूसरे गोलगप्पे का थोड़ा टुकड़ा तोड़ के ये मुझे ऐसे पैक करना है। जैसे एक मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास है गोलगप्पे का पैकेट, तो एक मैंने लिया हल्का सा, ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है तो ये वाला सॉफ्ट पार्ट है, तो इसमें मैं छेद लगाऊंगी, बस इतना ही खोलना है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, और एक दूसरा गोलगप्पा ऐसा थोड़ा ब्रेक करूंगी, जैसे सर यहाँ पे हल्का सा ब्रेक करूंगी,
और इसका जो टुकड़ा है तो वो इसके ऊपर लॉक हो जाएगा। ओके, सो ऐसे हमें हॉलो को ऊपर से पैक कर देना है। सो ऐसे हमने प्रिपेयर करके रखे हैं, काफ़ी क्विक है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मेरे पास है सिलिकॉन मोल्ड। यस, ये इडली आप ऐसे बड़े वाले सिलिकॉन मोल्ड में ही बनाना, अगर नहीं है तो नॉर्मल घर में जो स्टील की कटोरी है वो ले लेना, क्योंकि ये रेसिपी नॉर्मल इडली के मोल्ड में नहीं बनेगी, हमें थोड़ा बड़ा वाला चाहिए जिसमें गोलगप्पा होल्ड हो सके इसलिए। ओके, तो सबसे पहले अगर आपकी कटोरी है या फिर सिलिकॉन मोल्ड जो कुछ भी है उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे मोल्ड को मैंने ग्रीस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरा है, ये जो मेरा बैटर है आप देख सकते हो कि मैंने इनो ऐड किया, फिर अच्छे से ही इसमें फर्मेंटेशन हुआ, एक फ्लफीनेस आ गई। तो हल्की सी एक चम्मच में अंदर इसमें ऐड करूँगी, ये मेरा बैटर, बस इतना ऐड करना है। सर इन बिटवीन यहाँ पे दिखा दीजिए, जैसे ये मेरे पास मेकर है, ओके, जिसे स्टीम में रखना है हमें इडली को, तो नीचे पानी मैंने रख लिया है, ऊपर स्टैंड है और पानी को गरम करने रख दिया है मैंने। तो ये स्टीमर मेरा अंदर पानी गरम हो रहा है। अगेन एक चम्मच बैटर मैंने अंदर रखा। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, जो ये मेरे पास सांभर है उसको मैं छोटी वाली चम्मच से ये गोलगप्पे में भरती जाऊंगी। ये होल बहुत बड़ा मत करना, थोड़ा छोटा ही रखना ताकि ऊपर का कैप आप इजीली बना पाओ दूसरे गोलगप्पे से, और पूरा भर देना है। सबकी कमेंट आ रही है वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और भी इंटरेस्टिंग लगेगा रेसिपी के एंड में। सो ये कर दिया, इसके ऊपर ये जो मेरा कैप का ढक्कन, ये जो मैंने कैप बनाया है वो, फिर ये पूरा मैं इसमें रख दूंगी। ये रखने के बाद अगेन हल्का सा बैटर वापस ऊपर से, आप देख सकते हो मेरा बैटर कितना ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखना, बैटर ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। ओके, सो एक मैंने प्रिपेयर किया, मैं आपको दूसरा भी प्रिपेयर करके दिखाती हूँ टेक्निक। अगेन जैसे ये मेरा गोलगप्पा है, दूसरे का मैंने कैप बना लिया है, सो अंदर मैंने ये सांभर फिल किया। सो आप देख सकते हो कि छोटी चम्मच रिक्वायर्ड रहेगी। सो धीरे धीरे ये सांभर, ये एज अ स्टार्टर, आप कुछ केटरिंग का करते हो तो ये काफ़ी इनोवेटिव कंसेप्ट है, इवन आपके घर में किड्स है तो उनके लिए भी ये इनोवेटिव कंसेप्ट है, फेस्टिव्स है तो आपके गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए इससे बढ़िया कंसेप्ट तो कोई नहीं सकता। मैम इसको बोलते क्या है, रेसिपी का नाम क्या है? लावा इडली, जैसे लावा केक होती है, केक के बीच में से चॉकलेट सॉस निकलता है, तो इडली के बीच में से ये लावा निकलेगा पर सांभर का। सो हल्का सा वापिस बैटर हमने रखा, इसके बाद ये जो मेरा सांभर वाला पूरी है वो मैंने अंदर रख दिया। ये कैप ऊपर आप ज़रूर से ध्यान में रखना, ओके, कैप रखना, भूनना नहीं है, अदरवाइज आपका पूरा बैटर एंड सांभर मिक्स हो जाएगा। और अगेन ऊपर से ये, अगेन रिपीट करूँगी कि अगर सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप स्टील की कटोरी में भी बना सकते हो, और हो सके उतना बड़ा एंड डीप वाला लेना। मैम फॉर्मेट हो गया हो तो भी इनो डालना ज़रूरी है क्या? सी, अगर आपकी इडली स्पॉन्जी बन रही है वो बैटर से एक बना के चेक कर लेना, तो इनो की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये रिक्वायरमेंट स्पॉन्जी करने के लिए होती है इसलिए। सो गरम होने के बाद इसे हमें रखना है। सी यहाँ पे नोटिस करना है कि हमारा बैटर काफ़ी थिक है, नॉर्मल जो इडली बनने में टाइम लगता है उससे इसमें 5-7 मिनट ज़्यादा लगेगा, थिक बैटर पकने में टाइम लेता है, तो पहले फुल फ्लेम पे और आराम से फिर 2-3 मिनट स्लो फ्लेम पे भी आप इसे पकाना। ये जब तक हमारा बॉईल हो रहा है, स्टीम हो रहा है, तब तक स्वाद है तो कुछ ना कुछ नया तो होता रहेगा। तो हमारा एक अपकमिंग कुछ वर्कशॉप है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जो है डे लुक,
एक हमारा वर्कशॉप है जो मेकअप के रिलेटेड है, तो उसमें आपको कौन कौन से मेकअप सिखाने वाले हैं, तो एक तो होगा हमारा डे लुक मेकअप, नेक्स्ट है नाइट ग्लैम लुक। ओके, पार्टीज है, वीकेंड आ रहा है, सो पार्टीज में ये सारा मेकअप रिक्वायर्ड होता है। फिर नो मेकअप मेकअप लुक, आपने मेकअप तो किया है बट फिर भी नेचुरल लग रहे हो, वैसा वाला भी आपको सीखने को मिलेगा। सेल्फ मेकअप 100% हैंड्स ऑन वर्कशॉप, ये वर्कशॉप हमारा ऑफलाइन है। ओके, और जो स्टूडेंट यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए आने वाले हैं, उनको ये जो उसके रिलेटेड मेकअप का सामान होगा वो भी स्वाद ही प्रोवाइड करेगा। ओके, फिर है जैसे सर्टिफिकेट भी इसमें आपको मिलने वाला है, और डेट है 27th of Feb को, ये संडे को है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, पर जहाँ पे ये ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको ही ये मेकअप का सामान मिलेगा, ऑनलाइन वालों को खुद परचेज करना पड़ेगा, और इसकी फीस है 1499। एक्चुअली अगर आप आज बुकिंग करवाते हो या कल, तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा, और उसकी ओरिजिनल प्राइस है 2800। तो आप फटाफट से एनरोल करवाते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरी इडली हो रही है, ये टाइम लगेगा 10 मिनट, हमारा लाइव है तो ऑलरेडी मैंने पहले से एक स्टीम करने के लिए रख दी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि नीचे स्टीम करने के बाद ये आप देख सकते हो कि अभी गरम गरम है। ओके, ऐसी हो जाएगी। जैसे हमने साउथ इंडियन की ये रेसिपी सिखाई, वैसे हमारे ऑनलाइन भी बहुत सारे क्लासेस हैं जो अभी 449 में है, और अगर लाइफ टाइम लेना है तो 799 में है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके वो सब कुछ देख सकते हैं। जैसे इतना लंबा मैम ने कह दिया, सो शॉर्टली आप इसे रिवाइंड करके सुन लेना, और अगर आपको हमसे कनेक्टेड रहना है तो अगेन हमसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसी बढ़िया सी रेसिपीज के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगेन एक लावा मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, बिकॉज मुझे भी मज़ा आ रहा है। और मैम हमारा नंबर भी बता दीजिए। और यस परफेक्ट, और आपको बीच में से पता भी नहीं चलेगा कि आपका गोलगप्पा कहाँ है, बिकॉज ये जब स्टीम होगा तो ये हमारा जो सांभर है उसके साथ कम्प्लीटली अंदर मर्ज हो जाएगा। ओके मैम, एक मिनट मैम, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि इडली सांभर सिखाइए, तो हमारा ऑलरेडी साउथ इंडियन का क्लास है जिसमें हमने बहुत सारे चटनीज है, सांभर है, वो सब कुछ सिखाया है। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो हमारा साउथ इंडियन का ऑनलाइन क्लास आप परचेज कर सकते हो।
ये जो मैंने स्टीम होने के लिए रख ली थी उसको चेक कर लेंगे। स्टिल ये थोड़ी थोड़ी बाकी है, पर ऑलरेडी हमने आपको फाइनल रिजल्ट दिखा दिया है। सो डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर। अंटिल देन, बाय बाय।